सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है। मिस कॉल तो किया तो मोबाइल से ही है, और जो सिम है वो रजिस्टर्ड है, और जिस सिम से उसमें सभी के एड्रेसेज हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, न कोई सिरदर्द है। सिरदर्द तो ये है कि हम जब काम पे जाएंगे और जब हमसे संपर्क करेंगे, उसमें सारे बायोडाटा हम लेंगे और उसके पूरे परिवार के बारे में विवरण लेंगे, और लगातार हम एक उनसे संपर्क में रहेंगे, तो वो आज सदस्य बना है और वो कल हमारा कार्यकर्ता बन करके और पार्टी में अपनी भूमिका निभाएगा। जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मिस कॉल पद्धति से मेंबरशिप के दावे करे भारतीय जनता पार्टी और उसकी तुलना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से करके और वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उस क्रम में राजस्थान में जो लगभग 79,000 मेंबर्स को क्लेम किया गया था, जिसमें 25 लाख मेंबर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, उनकी वास्तविकता चाहे उनका नाम हो या उनका एड्रेस हो, उसके बारे में कोई डेटा बैंक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मिस्ड कॉल पार्टी है, इसकी मेंबरशिप जो है वो फर्जी है, फेक है। 50 लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट बना करके हमको भेजी है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मिस कॉल किया है, तो मिस कॉल का डाटा हमारे पास केंद्र से पूरा आ रहा है, और जब मिस कॉल का डाटा जो केंद्र से जब हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे कार्यकर्ता जाकर के जनसंपर्क पूरी तरह से करेंगे। और अभी 3 महीने का समय अभी स्टार्ट हुआ है, देखिए जब गति जब वो मौसम पर ज्ञान पकड़ेगा तो अच्छे परिणाम उसके आएंगे। एड्रेस मिलेंगे कहाँ से जब आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो पूरी तरीके से? आपको यही नहीं पता कौन आदमी किस विचारधारा का है, आपकी विचारधारा से कोई जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, फर्जी नंबर ले लेके उन्होंने मिस कॉल मारे हैं, उनके लोगों ने बैठ बैठ के मिस कॉल मार दिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे वो लोग? चर्चा में आज सवाल यही है, क्या मिस्ड कॉल अभियान से बीजेपी का जनाधार बढ़ा है? आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। सुशील शर्मा जी हैं, जयपुर से हैं, पार्षद हैं जी। सुशील जी, नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। सर, सर मैं अभी ये बहन जी कह रही थी ना, तकनीक का उपयोग करना चाहिए, तकनीक का उपयोग तो करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जी। इन्होंने तकनीक का दुरुपयोग किया है, इन्होंने क्या है कि जैसे मेरा फोन आपने लिया और मिस कॉल मार दिया, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं मेंबर भी बन गया क्या, कर दिया। इससे लोगों से मांग मांग, इन्होंने क्या कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया जी कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाओ, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। ये अभी देखो, इन्होंने चेयरमैन नहीं बनाए तो गोली दे दी, चेयरमैन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाओ, कहीं भीड़ करनी होती है, एक साल पूरा हो गया, जश्न मनाएंगे, मेंबर बनो आप जी। कार्यकर्ताओं पे दबाव डाला, ऐसे लोग भी कार्यकर्ता बन गए कि यार मेरे को तो मेरा टारगेट पूरा करना है जी जी, तो मेरे जैसा आदमी जो इनके विचारधारा का नहीं है उसको भी बना दिया इन्होंने जी। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं मैं मेंबर ही बन गया क्या। तो आपको लगता है पूरी तरह से मिस्ड कॉल पार्टी है, फर्जी सदस्यता हुई है? शुक्रिया। चलिए, आपका अमित शाह का सदस्यता अभियान सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए है, ऐसा भी नया आरोप है। देखिए, जब तक आप अपना मोबाइल उससे डायल नहीं करोगे तब तक आपकी मेंबरशिप नहीं होती है। आपका मोबाइल कोई दूसरा ले जाए तो फिर आप खुद ही समझ लोगे आप क्या हो, कितनी आपकी समझ है, कैसे मोबाइल दूसरा उपयोग में ले सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा, फिर भी यदि किसी का मोबाइल, एक बात बताइए मदन राठौर साहब, मिस्ड कॉल अभियान के बाद में महासंपर्क अभियान होगा, ये आपकी पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित और उसमें हमारा कार्यकर्ता वहां जाएगा, परफॉर्मा भरेगा, उसकी आइडियोलॉजी लिखेगा, उसकी नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। चलिए, एक चीज और निकल कर आ रही है कि बीजेपी का एक वक्त था जनाधार आरएसएस हुआ करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता हुए करते थे, और वही लोग पार्टी के प्रचार की कमान को संभालते थे, वही लोग पार्टी से लोगों को जोड़ते थे। अब जब नई मिस्ड कॉल की ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ये आ गई है, तो इसमें क्या फॉर्मूला है और आरएसएस का वो कनेक्शन कहाँ चला जाता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा लोगों की बन पड़ी है कि आरएसएस का स्वयंसेवक ही बीजेपी का कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी आप ये कह सकते हैं स्वयंसेवक कभी मैं स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है कोई स्वयंसेवक? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहीं, संघ के मैं ऐसा संघ होता का है कि प्रचारक भी रहा हूं। मामला सामने है कि शकुंतला जी ऐतराज करेंगे फिर? नहीं नहीं, कोई नहीं ऐतराज, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो
आरएसएस है और ये सारी, ये जो आप हैं, तो आप क्या कांग्रेस में के सदस्य बन सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस में नहीं बन सकता? आरएसएस का नहीं बन सकता कोई भी व्यक्ति, जहां आरएसएस जब संगठन शुरू होता है तो उसमें तो वही डाला जाता है, वो सारा बीजेपी ही बिलोंग है। देखिए राजनीति अलग चीज है, आरएसएस राजनीति से क्या, वो अलग नहीं, वो राजनीति ही है। राष्ट्रभक्ति क्या, कांग्रेस ये कह रही है कि हम राष्ट्रभक्त है ही नहीं, आरएसएस राष्ट्रभक्तों का संगठन है। कौन बात कर रहा है यहां, आरएसएस की और बीजेपी की बात हो रही है। करता है आरएसएस, इसलिए देखिए आरएसएस एक अलग संस्था है, आरएसएस राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने की एक उसको कारखाना समझ लीजिए कि वहाँ व्यक्ति जाएगा और बीजेपी बनाने का कारखाना है, से जुड़ना कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो सकता है, मैं आपको अधिकृत हो सकता है, ये आदर्श बात है लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्रायोगिक बात है। कई उदाहरण है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि जो आरएसएस के तो सदस्य हैं, स्वयंसेवक हैं और राजनीतिक दृष्टि से आरएसएस के, मतलब चलिए मैं जगदीश शर्मा जी आपके, आपसे इस दावे को पुख्ता करना चाहूंगा, इंद्र ओझा जी से बात कर लेते हैं, बीकानेर से जुड़े, ओझा साहब बताइए। नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। जी भाई साहब, मेरा ये आज को जो डिबेट चल रहा है, हाँ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इसमें बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, और वो कैसे बैठा है, मेरा बैस जो इस बात का, मदन जी भी सुन रहे हैं, पार्टी के कांग्रेस के भी बैठे हैं और भी पैनल में बैठे हैं। देखिए भारत ये 125 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोग जानते हैं इस देश के अंदर बारिक साहब की राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी देश के अंदर काम कर रही है, बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कौन सी है, बीजेपी कौन सी है, किसका लीडर कौन है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहला ऐसा एक प्रयोग किया जो सड़कों पे उतर के उन लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर एक मजबूत पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है और आप लोगों को अच्छी इस देश के अंदर सरकार देने वाली पार्टी है। तो लोगों को कम से कम पता तो चला ना, जिनको आज तक पता नहीं था, मजदूरों को जो सवेरे सवेरे काम पे जाते रात को घर जाता आता है उसको क्या पता कांग्रेस क्या है बीजेपी क्या है, बीजेपी ने इस चीज को बताया तो बीजेपी का जनाधार निश्चित रूप से बड़ा है, बहुत बड़ा है और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को इसका धन्यवाद। ओझा साहब आपकी इस राय के लिए। जगदीश जी, मैं आरएसएस और बीजेपी कनेक्शन पर राय जानना चाहूंगा आपकी। देखिए आरएसएस की जो कार्यप्रणाली है वो एक बिल्कुल अलग ढंग की कार्यप्रणाली है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ही आरएसएस की प्रमोटेड पार्टी है इसलिए उसको ही समर्थन मिलने वाला है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का उदाहरण ऐसा भी हो कि राजनीतिक दल के तौर पर वो किसी और को चाह रहा हो लेकिन आरएसएस के साथ मिलकर काम भी करता हो या उसके साथ उसका एसोसिएशन किसी तरीके से हो, जैसे कि किसी गार्डन में शाखा लगती है आरएसएस की और उसके सामने 6 बच्चे रहते हैं जो खेलने के लिए आते हैं उसी गार्डन में, अब वो खड़े हो गए लाइन में जबकि उनका परिवार है कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ या ऐसे ही, तो ये गलतफहमी कतई नहीं पालनी चाहिए कि ये भी कोई कांग्रेस वाला भी आरएसएस में आ गया या कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला भी आरएसएस में आ गया। बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस, बहुत ही क्लियर कट लाइन्स हैं बीच में, इसलिए इस बहस का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। तो अब दूसरा जो पहलू है वो ये है, आरएसएस आधार थी बीजेपी की, जब मिस कॉल की तकनीक का जो सहारा लिया गया ये क्यों लिया गया अभी तक ये मेरे समझ में नहीं आ रही। अगर आपको सचमुच में ही गांव-गांव जाना था और मोहल्ले मोहल्ले में इनको ढूंढना था तो आपके कार्यकर्ता सीधे ही फार्म लेके क्यों नहीं गए, अपनी आइडियोलॉजी की किताब लेकर क्यों नहीं गए साहब आप तो जब ये करना ही था तो महाजनसंपर्क अभियान में ही जब निकलना था यही तो इसके लिए इस जिस तकनीक की खामियां इतनी ज्यादा है, देखिए मैं बहुत साफ आपसे, जिस तकनीक की खामियां इतनी शशि जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, यहां पर 76,000 लोगों में से 25 लाख लोग जो हैं, 76 लाख में से 25 लाख लोगों को अभी तक पता नहीं कर पा रहे हैं आप, उसकी खामियां ऐसी हैं, जब आपको जाना ही था तो फार्म सीधे भरवाते। शशि शाह जी आप इत्तेफाक नहीं रखती इस बात से? नहीं मैं बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि आज के युग में अगर आप आधुनिक तकनीक नहीं अपनाएंगे तो आप वास्तव में प्रगति नहीं कर सकते। अब आप जैसा बोल रहे हैं कि वो जा क्यों नहीं रहा, मान लीजिए एक बिहार का मजदूर है और महाराष्ट्र में आके काम कर रहा है ना, पर वो अभियान से जुड़ करके अगर वो बिहार में भाजपा का सदस्य बनना चाहता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसमें हर्ज क्या है। चलिए इसमें एक और बड़ी बात है शशि जी, एक सदस्य दूसरा सक्रिय कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो जिस मजदूर की आप बात कर रही है वो कैसे तब्दील हो पाएगा उसमें? वो ऐसे तब्दील हो जाएगा कि जब जैसे मैंने बताया कि इस प्रचार के माध्यम से
बीजेपी क्या है, अभी तक लोगों को पता नहीं था पार्टी का क्या रोल है, बहुत वोट भी नहीं करते थे, बाहर जाकर के इन्वॉल्व भी नहीं होते थे। इस जो कहते हैं ना एक्टिव कैंपेनिंग जो हुई है, इसने एक मैं वही बात कह रहा हूँ कि तो क्या ये जिस बात पर अब आप आ गई कि क्या ये पूरा एक कैंपेन बन के रह गए या सच में इसका बीजेपी को कोई फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा मिलेगा आने वाले समय में। शकुंतला जी, आप भी कुछ कह रही थी उस दौर में। मेरा मानना है कि जैसे मदन जी कह रहे थे कि भाई ये वो, जैसे मैं मानती हूँ कि वो अशोक जी ने कहा, अशोक पान जी ने, कि हमारे पास दबाव भी आ रहा है, कई जगह से कार्यकर्ता दबाव भी डाल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, चाहे वो कर्मचारी था, डर रहा था, कुछ बिल्कुल भी है। सुनील जी प्रजापति जयपुर से और अशोक पंडित जी अजमेर से, दोनों का यही सवाल था, यही था जबरन ऐसा हो रहा है, जबरन बना रहे हैं, तो ये एक नाम लूटने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड देखिए, हम इतने जने सदस्य बना लिए, ये था जो आ गए, एक ज्वार भाटा था, ज्वार भाटा। तीनों की बात बताइए, उस्मान जी, सुनील जी और अशोक पंडित जी, तीनों का अलग अलग। पहली बात तो ये है कि कोई किसी को जबरदस्ती किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना ही नहीं सकता। जब आपको नहीं लगता कि 78 लाख की संख्या कम हो जाएगी महासंपर्क अभियान के बाद, धीरे धीरे पूरे भारत में ये बात आपसे बताऊं संभव है के लिए, कुछ नहीं है, ये संभव है। आने वाले समय में जरूरी है कि राजस्थान में दोबारा भाजपा आए या जो है भाजपा आए या ना आए, तो जनाधार उसके दावे की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाता है। मैं आपसे बहुत साफ निवेदन कर रहा हूँ कि जब हमारा ये पहले से ही तय है महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, उसमें हम हर व्यक्ति तक जाएंगे। और मैं एक बात फिर क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे शकुंतला जी कह रही थी या वो जो एक कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं मेंबर बन गया, मैं इससे और आगे बढ़ करके कह रहा हूं कि कोई स्वेच्छा से भी बना होगा, लेकिन हमको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में इसको लेना ठीक नहीं है, तो हमारा जो परफॉर्मा भरा जाएगा उसमें हमारे विवेक का एक कॉलम और होगा, उसमें हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इस पर कमेंट चाहूंगा आपका, फिर ब्रेक कर दीजिए जी। ये कोई बात नहीं है, और सदस्य बन चुके हैं आप, ये मैसेज आ रहा है, सारी फर्जी लाइन खड़ी कर दी है, कोई सदस्य बनने का इच्छुक नहीं है। जो बात कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस की मेंबरशिप कैसे होती थी उसको भी जरा थोड़ा उससे कंपेयर करिए तो ये सारी चीज़ों का पता चला। कांग्रेस में क्या है, एमएलए ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो एमपी हैं वगैरह वगैरह, इन सबको टारगेट दिया जाता था कि भाई आप इतने मेंबर बनाएंगे, इतने सक्रिय सदस्य बनाएंगे, इतने साधारण सदस्य बनाएंगे और इतना पैसा पार्टी में जमा कराइए जी फीस के रूप में, उसके बाद आपको ये पोजीशन के लिए लेंगे कि कार्यकारिणी में लेना है, स्टेट की बॉडी में लेना है, डिस्ट्रिक्ट की में लेना है, फला फला इस तरीके से। तो वो जो फार्म आते थे उन फार्मों के हिसाब से पैसे भर जाते थे और उन पर केवल नाम लिखा होता था, नत्थूलाल मोहनलाल जगदीश शर्मा फलाना, ये नाम लिखकर आते थे। वो सदस्यता जब होती है इस तरीके की तो ऐसे ही होती है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इन्होंने तकनीक को अपना, राजनीति का दस्तूर है, इसको बदला नहीं जा सकता। सदस्यता ऐसे ही होती है, उसमें कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई वल्दियत की डिटेल नहीं होती है, वो पैसे जमा हो जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि इतने सदस्य हो गए और इनको कार्यकारिणी का सदस्य। मैं ये बता रहा हूं आपको कि पहले कई पार्टियां वो मेंबरशिप क्या करती थी, वोटर लिस्ट लेकर के मेंबर्स बना देती थी। अब कम से कम हमने इतना तो सुधार किया है कि वो खुद तो अपने मोबाइल से डायल करे, ये हमने सुधार किया है। ये आप, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप की किस प्रकार की थी, कितने लोगों के कई कई नाम आ जाते थे, लाखों बनाए, 25-30 लाख तो नहीं बनाए, लाखों में पर वो मेंबर बना। उसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए उसके घर तक जा रहे हैं, हम उससे सीधा सजीव संपर्क करेंगे, एक परफॉर्मा भरेंगे, हम इतना काम कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी उसको देने वाले हैं, हम उसको हमारे विकास के जो प्रपत्र हैं, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के विकास की जो काम अभी तक हमने किए हैं वो अपडेट करने वाले हैं, फिर उसको नियमित रूप से उसको SMS आएगा, हमारे जो काम किए हैं। शकुंतला जी, पूरी प्रक्रिया को जान लीजिए ताकि आपके मोबाइल पे कोई भेजा इस्तेमाल ना करे। कोई छोटा मोटा काम हमने नहीं किया है, जैसा ये बता रहे हैं वो सारा एक वो तैयार कर रहे हैं, फर्जी खाका जो तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी रिकॉर्ड। आपको घबराहट क्यों हो रही है, ये मेरे समझ में नहीं है। बिल्कुल घबराहट नहीं है, मान लो कमजोर है तो हम है, हम यदि ताकतवर है तो हम है, आपको ताकतवर ज्वार भाटा कभी भी इतना ही नहीं रहता। आप भी सुन लीजिए मदन जी, हम यदि दूध पिए हमेशा समुद्र में, आप आ गए एक बार ज्वार भाटा दोबारा नहीं रहोगे। और ये फर्जी जो गिनती लाखों में बढ़ाई है, एक बार लाखों में बढ़ा रहे हैं, एक मिनट सुनो, लाखों फर्जी बनाए, लिस्ट ले ली वहां से बना दिए और अभी खुद ही कह रहे हैं अब हम सजीव जाएंगे। अभी तक क्या निर्जीव बने सारे के सारे सदस्य, अभी खुद ही कह रहे हैं, खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं सजीव जाएंगे, सजीव संपर्क करेंगे। चलिए चलिए ब्रेक ले रहे, ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आखिरी दौर के लिए लौटेंगे, बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है।
हर संगठन का एक सिस्टम होता है, एक धर्म होता है, काम करने का तरीका होता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी, वो इतना हाईटेक हो गए कि अब सदस्यता अभियान भी मिस्ड कॉल से चला रहे हैं। जिस तरीके से खरीदारी होती है ऑनलाइन, उसी तरीके से ये अपने सारे के सारे सदस्यों की ऑनलाइन खरीदारी करने लग गए हैं। ऐसे कोई सदस्य बनेंगे नहीं, और सदस्य जिनका वर्चस्व कम ही होना है बीजेपी का, क्योंकि मिस कॉल तो कोई भी दे सकता है, उसमें उनकी सक्रियता नहीं हो सकती उन सदस्यों में, इसलिए नहीं हो सकती ना तो उनके पास कोई प्रमाण है ना कोई बात है। किसी ने भी चलते फिरते ने अगर मिस कॉल दे दिया या एक बच्चे ने भी मिस कॉल दे दिया तो क्या उसे मान लिया जाए कि वो उसका सदस्य हो गया। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है, भाजप से जुड़ते जाना है। क्या बीजेपी के मिस्ड कॉल अभियान से जन आधार बढ़ा है, इस पर आपकी राय पूछी गई थी और जनता की राय कहती है कि 37% लोग मानते हैं कि जन आधार बढ़ा है, 63% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मदन राठौर साहब को और बीजेपी को फिलहाल और प्रयास करने होंगे, इस बात से ये तस्वीर साफ हो जाती है। शकुंतला जी, जन आधार नहीं बढ़ा है, फर्जी अगर संख्या है, तमाम तरह के आपके आरोप है, इस बीच में जो तस्वीर है उसको लेकर अगला रुख क्या है, कांग्रेस का कदम क्या होगा, आपका सदस्यता अभियान भी चल रहा है? बिल्कुल, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हम गांव-गांव जाकर के अपने कार्यकर्ता जाकर के ब्लॉक में और बूथ वाइज जाकर के अपने मेंबर बना रहे हैं, और उसमें कोई इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं है, उसकी मर्जी से बना रहे हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपने हमारी NSUI और यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन हमने फर्जी नहीं किया, फर्जी आपने किया है। मिस्ड कॉल से करते थे, हमने फर्जी नहीं किया, हमने सारा किया जो सही काम किया, फियर काम किया, आपके जैसा लाखों में फर्जी काम कोई नहीं है। शशि सहाय जी, सत्ता आना जाना दूसरी चीज है, आपकी बार आपको सत्ता में अगली बार दूसरी बार तुरंत बीजेपी को अमल करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो खामियां सिस्टम में अगर क्रिएट हुई हैं और अगर किसी लेवल पर ऐसा लगता है कि मिस्ड कॉल से कुछ डेटा गलत हुआ है तो उसको आने वाले समय में रेक्टिफाई करना चाहिए। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में ये संभव है, नया फॉर्मेट बना करके नई तरीके से जो जो कमियां हैं उसको दूर करें, पर मैं टेक्नोलॉजी जो है वो इस उद्देश्य से फर्जीवाड़ा करने के लिए की गई है, मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए, मदन राठौड़ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर? मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग कसरत कर रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, तो कांग्रेस वाले पैंट क्यों भर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आई। अरे भाई, हमारा जनाधार बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये हम चिंता करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने सदस्यता अभियान चलाया, हमने इतनी मेंबरशिप की, कांग्रेस तो हमारे निकट ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं वो टिक ही नहीं पा रही है ना लोकसभा ना विधानसभा। आप इसी दम पर वापसी करेंगे सत्ता में? बिल्कुल निश्चित रूप से। फाइनल कमेंट के लिए जगदीश शर्मा, नियमित रूप से उससे सजीव संपर्क रखेंगे, नियमित रूप से। आज की बहस के बाद आपको क्या लगता है, इस पूरी तस्वीर को अगर देखा जाए तो क्या समझ में आता है, बीजेपी को फायदा है या ना कहीं नुकसान की बात हो रही है? अश्विनी जी, जब भी नई तकनीक अपनाई जाती है, देश में नई तकनीक आती है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी तकनीक के बारे में हमारा जो कॉमन मैन है वो जानता नहीं है, सिस्टम्स को नहीं जानता। यही हाल पार्टी में इनके वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही होगी बहुत सारी जगह पर, कि वो किस तरीके से फिजिकल तौर पर जाकर और उस मेंबर से बात करे जिसका कि मिस कॉल मिला है, चाहे वो गलती से किसी ने भी कर दिया, उससे बात करे, और फिर तो ऐसा बहुत सारा फिल्टर आउट हो जाएगा जी। लेकिन ये प्रक्रिया को मैं ऐसा नहीं मानता कि इसको अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। आज जितनी व्यस्तताएँ हैं, जितने दूर दूर लोग रहते हैं, आने जाने ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे और जहमत है वो सब उठा, उससे अगर बचा जा सकता है तो इस तरह की तकनीकों से बचा जा सकता है। लेकिन दूसरी बात, इसका असर ये होगा कि जो इस तरीके से लोग जुड़ेंगे पार्टी से, क्या वो सचमुच में इस पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के लिए वफादार हो पाएंगे, इनके लिए इनमें विश्वास करने वाले होंगे, या कोई आदमी दिखावा और तमाशे के लिए भी हो सकता है, तो वो देखने की बात है। और पार्टी बीजेपी को ये तमाम सवाल हैं जिनका सामना करना होगा, और भविष्य की अगर बात की जाती है, 3 महीने बाद की बात की जाती है, जब महासंपर्क अभियान पूरा हो जाएगा, तब की तस्वीर, तब का आंकड़ा क्या कहता है,
इस पर भी गौर करना होगा। आज के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।